हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज़ योर फ्रेंड अलका। और आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, कल इंडिपेंडेंस डे है और रक्षाबंधन भी है। तो मैं कल घर जा रही हूँ। आज हमारे स्कूल में फंक्शन हुआ था, उसकी छोटी सी क्लिप मैं डाल दूँगी जिससे आप लोग देख सको कि कैसा था। बहुत अच्छा रहा वैसे तो। और कल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कल सुबह घर जाऊँगी और इस बार 3 दिन रहकर आने वाली हूँ मैं। और 3 दिन में मैं बहुत इन्जॉय करूँगी क्योंकि मम्मी पापा ने घर शिफ्ट करा है। मैंने लास्ट जब मैं घर गई थी, मैंने व्लॉग में बताया था कि वो लोग घर शिफ्ट करेंगे और अब से मेरे जो भी घर का व्यू होगा वो न्यू वाले घर का होगा। तो मैं आपको होम टूर भी ज़रूर कराऊँगी। और आप देख सकते हैं मैंने वैसे पैकिंग कर ली है, काफ़ी सारी हो गई है। ये देखिए कि ये बैग है, एक्चुअली इस बैग में सिर्फ वो कपड़े हैं जो मम्मी यहाँ छोड़ के चली गई थी, तो मैं उनके कपड़े लेकर जा रही हूँ। और ये मेरा बैग है जिसमें पैकिंग वैकिंग मैंने कर ली है। ज़्यादा कपड़े मैंने नहीं रखे हैं क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं रहती, वहाँ मेरे एक दो जोड़ी कपड़े रहते ही हैं। बट फिर भी करते करते, क्योंकि मैं कितना भी खाली बैग क्यों ना ले जाऊँ, वहाँ से आते टाइम ये भर जाता है, पता नहीं क्यों भर जाता है, बट बिल्कुल भर जाता है। मम्मी ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ। और बेटियों को तो माँ को खाली करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए जा रही हूँ। मैं घर के लिए इस बार घर की मिठाई बना के लिए जा रही हूँ। एक्चुअली मैं कल शेयर करती बट इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था तो मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पापा को भी सिर्फ घर की मिठाई अच्छी लगती है। तो मैंने उनके लिए लौकी की मिठाई और मावे के लड्डू बनाए थे, वही मैं लेके जा रही हूँ। बाहर से देखूंगी लूंगी या नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे भाई को भी ये चीज़ अच्छी लगती है। मुझे लग रहा है जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं इस वाली मैक्स में बहुत ज़्यादा व्लॉग और वीडियो बनाती हूँ। तो वो इसलिए है कि मैं स्कूल से आते ही जस्ट कपड़े बदल लेती हूँ, मेरे पे वो नहीं पहने जाते। आते ही जैसे मैं नहाती हूँ, मैं चेंज कर लेती हूँ, तो उस समय मैं ये मैक्सी या फिर अपना नाइट सूट ही पहनती हूँ जिसमें मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। और अब तो फिलहाल मैंने इसलिए पहनी हुई है कि सुबह मैं फटाफट जाऊँगी, रेडी होकर इसको छोड़ के चल जाऊँगी। तो कल मिलूंगी मैं आप लोगों से, कोशिश तो ये करूंगी मैं मेकअप वगैरह आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँ। अभी तक मैंने ये भी डिसाइड नहीं करा कि मुझको क्या पहनना है, वो अरुण जब आएंगे तो मैं उनसे डिस्कस करके देखती हूँ कि क्या पहनना होगा। और बाकी मैंने काम वाम सब ख़त्म कर दिया है और सफाई वगैरह भी कर दी है, बट मुझे लगता है 3 दिन तक वो चलने वाली तो नहीं है, बट फिर भी वो तो हमारा काम है, करना ही है। तो कल मिलते हैं, फिर देखते हैं कैसी तैयारियाँ सुबह रहती हैं। आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी मैं, और अपने घर का होम टूर भी आप लोगों को ज़रूर कराऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल। बाय बाय।
तो इस वक्त हम घर से निकल गए और आप देख सकते हो अभी गाड़ी में तेल डल रहा था। आप यकीन नहीं करोगे इतना जाम था कि जहां हम 3 घंटे में पहुंच जाते वहां हम 7 घंटे में पहुंचे, पूरे 7 घंटे लग गए। 6-7 बजे हम लोग पहुंचे 11 बजे के निकले हुए और इतना परेशान हो गए थे जाम की वजह से बहुत ज़्यादा। ये मैं रेडी हुई हूँ, आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने मेकअप किया था उस दिन। इज माई हस्बैंड अरुण, लवली हस्बैंड। ये मेरा छोटा भाई है और छोटा भी और शैतान भी, बहुत ज्यादा शैतान। वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअली मैंने जीजू के हाथ में दे दिया था, उनके हाथ में छोटी बेबी भी थी तो कैमरा आगे पीछे हो रहा था, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट कोई बात नहीं, इतना तो थोड़ा बहुत चलता है, हो जाती है गलतियाँ। एंजॉय करो, कभी नहीं करोगे। मैंने उसको कागज समेत मिठाई खिला दी थी और वो कह रहा था देखो कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है। मुझे नहीं पता है मेरे से कैसे हो गया था एकदम, वो मिठाई इतनी प्योर प्योर सी लग रही थी, मैंने उसे मिठाई सही थी, कागज सही थी, मिठाई खिला दी। वो बहुत गुस्सा भी हो रहा था। ये गिफ्ट मैंने उसको दिए थे, एक गिफ्ट मैं उसके लिए शिमला से लाई थी और एक मैंने उसके लिए पेंसिल बॉक्स ऑर्डर किया था। देखो इधर देखो, ये वाला तो किसी के बाकी राखी का दोबारा लगा दे हाथ। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? और मुझे पता है आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं इतनी लेट रक्षाबंधन ब्लॉग शेयर क्यों कर रही हूँ, बट सच में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैं घर गई थी 3 दिन के लिए और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मम्मी से अपनी ठीक से बात भी नहीं कर पाई और बहुत कुछ मैं शूट भी नहीं कर पाई हूँ। थोड़ा सा आधा अधूरा आपको दिखेगा बट मैनेज कर लेना आप। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, वैसे थोड़ा सा नहीं काफ़ी लेट हो गया, 15 से आज 19 तारीख हो गई है। मैं कल रात ही वापस आई थी और आने के बाद एक्चुअली मेरा मूड बहुत बहुत स्पॉइल हो गया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको शायद मेरी एक दो व्लॉग पहले मैंने आपसे अपनी फ़िश को मिलवाया था, जिसको मैंने बोला था कि इसका नाम डीका है और वो मर गई, मैं उसको नीचे छोड़ कर गई थी, पता नहीं क्या हुआ, वो लगभग 2-2.5 महीने से मेरे पास थी और वो मर गई, तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, वरना मैं कल ही व्लॉग शेयर कर देती। अब कर रही हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लोगे, आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो। और नेक्स्ट व्लॉग मैं कोशिश करूँगी कि प्रॉपर आ जाए, टाइम से आ जाए, बट अभी जैसे आपको पता है कि अगर आप 2 दिन भी घर से बाहर जाते हो तो कितना ज़्यादा आप लोगों का वर्कलोड हो जाता है और घर फैला फैला सा। अभी मैंने मशीन लगाई है, कपड़े धो रही हूँ, सफाई में कर चुकी हूँ, काम सब मेरा आज ख़त्म हो गया है। आज मैंने बनाया है पनीर और पूरी बनाई है, तो पनीर वैसे मैं काफ़ी सही बना लेती हूँ, तो उसकी रेसिपी भी मैंने शेयर नहीं करी क्योंकि मुझे काम फैला हुआ बहुत ज़्यादा दिख रहा था और मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना था। और नेक्स्ट व्लॉग मैं प्रॉपर बना दूंगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग ये रक्षाबंधन व्लॉग ज़रूर देखना। इसमें मैंने अपने ससुराल का पार्ट भी शेयर किया है और अपने मायके का भी, भाई की छोटी सी वीडियो बनाई थी, बाकी मैं पिक्स आप लोगों से शेयर कर दूँगी। आई विश आप लोगों को अच्छी लगेंगी और आप लोग इन्जॉय करोगे। और चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय।